प्रिय तन्मय महेश्वरी, हमारे लिए तो प्रिय ही हैं। और हमारे उत्तराखंड के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर धामी जी और यहां मौजूद ऑडियंस के सभी सम्मानितगण, जिस समय पांचोली जी ने मुझसे आग्रह किया कि अमर उजाला का यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपको हम चाहते हैं कि आप भाग लें, तो सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी। वैसे सामान्यतः मैं सहज रूप से सहमति नहीं देता हूं, लेकिन दिया। उसका कारण कुछ और नहीं है, कारण यह था कि अत्यधिक व्यस्तता रहती है, समय निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आज जो बातें मैं आपके सामने यहां रखूंगा, जो मुझे दिया गया है टॉपिक स्वर्णिम भविष्य भारत का, तो सामान्यतः स्टैम्पोर्ड भी भाषण दिया जा सकता है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत का स्टेचर सारे इंटरनेशनल फोरम पर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो प्रायः इन सब सारी चीजों से अधिकांश लोग परिचित हैं। फैक्ट्स फिगर्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप सबको उसकी जानकारी होगी, इसलिए मैं फैक्ट्स फिगर्स में भी नहीं जाऊंगा। और मैं अपनी बात की यदि शुरुआत करूंगा इस भारत के बारे में, तो मैं अपने यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वाराणसी से नज़दीक चंदौली है, चंदौली के एक दूर के पड़ोसी हुआ करते थे राम भरोसे जी। अपनी बात की शुरुआत मैं उसी राम भरोसे जी से ही करूँगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत के स्वर्णिम भविष्य विषय पर आयोजित इस समारोह में आप सबने मुझे आमंत्रित किया है। और मैं कह सकता हूं कि मीडिया के क्षेत्र में अमर उजाला ने जो विश्वास हासिल किया है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। इसके लिए मैं अमर उजाला पूरे परिवार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और अमर उजाला के बारे में जो बात मुझे सबसे खास लगती है वो यह कि अमर उजाला के बौद्धिक लोगों के बीच अमर उजाला जितना लोकप्रिय है, देश के अपेक्षाकृत साधारण पढ़े लिखे लोगों के बीच भी यह उतना ही लोकप्रिय है। बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरीज में हो या चौराहे पर चाय पान की दुकानें हों, आप कहीं से ले जाइए, आपको अमर उजाला की प्रतिलिपि निश्चित रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अपनी सूचनाओं और उसके विश्लेषण से अमर उजाला समाज में जागृत के उजाले का प्रसार कर रहा है। मैं पुनः इसकी प्रशंसा करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो विषय है साथियों, यानी भारत का स्वर्णिम भविष्य, यह टॉपिक दिखने और सुनने में जितना महत्वपूर्ण लगता है, मैं समझता हूं अपनी गहराई में यह और भी उससे विशिष्ट है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक के भीतर जाते हैं, हमें पता चलता है कि भारत का स्वर्णिम भविष्य सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसमें जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा। आज जब हमारा देश दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन बन चुका है, सबसे बड़ी जनसंख्या का ये हमारा देश बन चुका है, दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन भारत में रहती है। ऐसे में भारत के स्वर्णिम भविष्य का अर्थ दुनिया का स्वर्णिम भविष्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म से कई वक्ताओं को, कई बुद्धिजीवियों को, यहाँ तक कि कई राष्ट्राध्यक्षों को भी यह कहते सुना होगा कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी, 21वीं सदी किसी की होने वाली है तो हमारे और आपके भारत की होने वाली है। और हमने जाकर दुनिया में लोगों पर यह दबाव नहीं डाला कि आप लोग हमारे पक्ष में बयान दीजिए। ये बयान लोगों ने स्वतः दिए हैं। दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों ने खुद ही भारत को देखा, जाना, समझा और पाया कि भारत का भविष्य स्वर्णिम है। भारत पर दुनिया का जो विश्वास बना है वह इसलिए बना है क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी से लेकर अब तक जो प्रोग्रेस की है उसे दुनिया एक विलक्षण उदाहरण के रूप में देखती है। मैं आपके सामने भारत के स्वर्णिम भविष्य पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत में जो विकास यात्रा रही है वह किस प्रकार से गतिमान रही है। अभी कुछ ही समय से पहले मेरे एक पुराने पड़ोसी और मित्र मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आए और उनसे मुलाकात करने का अर्थ एक बार फिर इतिहास की आंखों के सामने से गुजर जाना था। नाम बताने की जरूरत तो मैं नहीं समझता हूं, मान लीजिए नाम काल्पनिक ही है। उनका नाम है राम भरोसे। जिस स्थान से मैं आता हूं यानी बनारस के पास चंदौली, वहीं मेरे पड़ोस में राम भरोसे जी रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम भरोसे जी कहां से आ गए, ये राम भरोसे जी कौन है? आप अभी इनसे परिचित नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको राम भरोसे जी के बारे में मालूम होता चला जाएगा। मैं स्वतंत्र भारत की यात्रा को राम भरोसे जी, उनके बेटे कमल और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आशा, किरण और अजय के जीवन वृत्तांत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि 1947 में जब भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सॉवरेन नेशन, संप्रभु राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ, उसी समय भारत के एक रिमोट विलेज में राम भरोसे जी और उनकी बहन का जन्म एक साथ हुआ। उनके पिता, जो बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, वो कलकत्ता शहर की किसी मिल में छोटी मोटी नौकरी करते थे। वहाँ से जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिलते थे उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के साथ ही एक और घटना घटी जिसके चलते लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे खुशियाँ मनाएं या शोक मनाएं। हुआ यूं, इनकी माताजी जो लंबे समय से धुएं के कारण होने वाले लंग कैंसर से जूझ रही थी, डिलीवरी के दौरान ही बहुत सीरियस हो चली और उस समय राम भरोसे के पिताजी नौकरी करने कलकत्ता गए थे। तब आज की तरह कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की सुविधा उस समय नहीं थी। उन तक समय से खबर भी नहीं पहुंच पाई कि उनकी पत्नी की क्या हालत है, कैसी हालत है। और जब तक उन्हें खबर मिली, वो घर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छी चिकित्सा की सुविधा गांव के 20-25 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी। ऐसे में बच्चों के जन्म के दौरान ही उनकी मां का देहांत हो गया। जाते जाते उनकी माताजी के अंतिम शब्द यही थे, कभी हमारे दिन भी फिरेंगे क्या। राम भरोसे जी के घर पर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा। उनकी माताजी के देहांत के बाद उनका परिवार बिखर सा गया। राम भरोसे का जन्म तो फिर भी सुकून देने वाला था, पर उनके साथ एक लड़की का जन्म बड़ा खटका था उस समय लोगों को, जब उनका जन्म हुआ था। कौन करेगा धरेगा इस लड़की का सब कुछ। गरीबी ऐसी थी। उसका पालन पोषण और आगे चलकर उसकी शादी ब्याह। कुछ लोगों को तो उस लड़की का जन्म ही अभिशाप लगने लगा था जिसके जन्म के बाद इतनी बड़ी विपत्ति आई। आगे चलकर उसका नाम पत्नी रखा गया, जो वास्तव में विपत्ति का ही बदला हुआ रूप था। लेकिन किसी तरह राम भरोसे के पिता ने राम भरोसे और उनकी बहन का पालन पोषण किया। उनके पिताजी ने उसके बाद गांव में ही खेती को अपनी आजीविका बना ली। जैसे तैसे राम भरोसे के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उन्होंने तो थोड़ी बहुत काम चलाऊ पढ़ाई की भी, पर पति की किस्मत में यानी उनकी बहन की किस्मत में तो यह भी नहीं था। जैसी की मान्यता थी कि पढ़ लिखकर कौन सा लाट साहब बन जाएंगे, पढ़ लिखकर कौन सी लाट साहब बन जाएगी, जैसी बहुत पुराने गरीबी जब के हालात जब थे, उस दौर से परिवारों को गुजरना पड़ता था। उस समय जो स्थिति थी, सामान्यतः लड़कियों के बारे में लोग यही कहते थे। परदेश से रिटर्न पिताजी ने पति की शिक्षा के बारे में सोचा भी, तो आसपास कहीं कोई स्कूल कॉलेज नहीं जहां उसे पढ़ने के लिए भेजा जा सके, इसलिए बस दिन भर चूल्हा चौका और गाय भैंस के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना ही पति की नियति बन गई। राम भरोसे जी के जीवन की शुरुआत 1500 साल तो बिना किसी राजनीतिक समझ के ही गुजर गए। बचपन में उन्हें किसी कुछ खास रुचि नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। राम भरोसे जी अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में यह व्यस्त रहते थे। दुर्भाग्य से 1964 में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तब देश के गली मोहल्लों में जो चर्चा शुरू हुई, उसने राम भरोसे जी के अंदर थोड़ी सी राजनीतिक समझ जगाई। उस दिन उनको लगा कि वास्तव में कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। इससे पहले उनको देश की राजनीति से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने देश दुनिया को देखा और चीजें जाननी समझनी भी उन्होंने शुरू की। उन्होंने यह भी समझा कि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद जिस भारत के बारे में दुनिया के विभिन्न इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवियों ने जो खोखली भविष्यवाणियां की थी, उन तमाम अटकलों पर देश की जनता ने विराम लगा दिया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो दुनिया के अनेक इंटेलेक्चुअल्स ने खुलेआम यह भविष्यवाणी की थी, यह देश जिसका इतना बड़ा विभाजन हुआ है, यह महज कुछ वर्षों में ही कई भागों में टूट कर बिखर जाएगा। भारत के बारे में यहाँ तक कहा गया, यहाँ पर इतनी घनघोर अशिक्षा है कि डेमोक्रेसी यहाँ सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। बचपन में राम भरोसे जी को भले ही बहुत समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना तो देख लिया था कि इस देश के लोगों में एक कभी न कभी टूटने वाली, एक कभी न टूटने वाली एकता है, जो दुनिया के किसी भी विश्लेषक के इस प्रकार के किसी अनुमान को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। राम भरोसे जी अब अपने पिताजी के साथ खेती गृहस्थी में उनका हाथ बटाने लगे। हालांकि किसानों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय किसानों के लिए फसलों की पैदावार भी उतनी ही अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जैसे तैसे राम भरोसे और उनके पिताजी अपना जीवन यापन कर लेते थे। चूंकि पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती थी और खेती के लिए गांव के महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, उस कर्ज को चुकाने के लिए ब्याज इतना ज्यादा हुआ करता था कि मूलधन तो छोड़िए, वह ब्याज चुकाने में ही उनके पिताजी की अधिकांश इनकम चली जाती थी। ऐसे में राम भरोसे और उनके पिताजी दिन रात बस काम करने की मशीन बन चुके थे और उनका जीवन सूदखोरों का ब्याज भरने वाला बन चुका था। यह स्थिति भला कितने दिनों तक चलती है? राम भरोसे जी के पिताजी यह स्थिति झेल न सके, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनका भी देहांत हो गया। उधर एक दिन उनकी बहन सुबह सुबह नित्य क्रिया के लिए घर से दूर खेत मैदान में गई, जहां उसे किसी कीड़े ने काट लिया। वह दुनिया को अलविदा कर चल बसी। राम भरोसे जी ने अपने जन्म से लेकर अब तक इतने दुख झेल लिए थे कि उनका कलेजा फट रहा था, पर राम भरोसे जी ने चीजें समय के ऊपर छोड़ दी और मुसीबत की घड़ी को भी राम भरोसे जी ने झेल लिया। इसी बीच राम भरोसे जी के जीवन में एक बड़ी घटना घटी और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को सप्ताह में एक दिन उपवास करने का आग्रह किया, अपील की आम जनता से। राम भरोसे भले ही उतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का, अपने नेता का मान रखते हुए देश के लिए हर सप्ताह एक दिन के उपवास का प्रण कर लिया। उनके जैसे लाखों लोगों के उपवास ने न केवल देश के किसानों का बल्कि देश के जवानों का भी मनोबल बढ़ाया और देश ने 1965 का युद्ध जीतते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ किया। साथियों, जिस दिन राष्ट्र अपनी विजय का उत्सव मना रहा था वह दिन राम भरोसे जी के जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था। उस दिन उनको एहसास हुआ कि इस राष्ट्र के निर्माण में उनका भी योगदान है। इसके कुछ समय बाद पूरा देश कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का साक्षी बन गया। जो भारत अनाज के लिए कभी दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, हरित क्रांति के बाद वही भारत अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर होने लगा। राम भरोसे जी के परिवार पर भी इस हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। उनकी फसलों की पैदावार अच्छी होने लगी, उनके परिवार की इनकम भी थोड़ी बहुत बढ़ी। इसी बीच उनका विवाह हुआ और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र कमल भी पैदा हुआ। राम भरोसे जी का परिवार तो बढ़ ही रहा था तो उधर देश भी अपनी विकास की गति को तेजी से बढ़ा रहा था। एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी लगभग हर क्षेत्र में भारत ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। इसी बीच राम भरोसे जी के जीवन में एक और खुशी का क्षण आया जब उन्हें जगह जगह रेडियो पर एक बार फिर भारतीय सेनाओं के शौर्य की चर्चा सुनने को मिली। यहां देखिए, वहीं हमारी सेनाओं की चर्चा। 1971 में हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को एक बार फिर पटकनी दी और पटकनी ऐसी थी कि पाकिस्तान ही हमेशा के लिए टूट गया। हालांकि राम भरोसे को ज्यादा मालूम तो था नहीं। सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश कर ले, हमारे जिस्म को नापाक न कर ले, इसलिए अपने ही रिवाल्वर की गोली, अंतिम गोली अपने सीने में डाल लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आया। यह है राष्ट्रीय अस्फाकुल्लाह। 21 साल की जवानी थी। माँ कहती थी, बेटा शादी कर लो, बहुला बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आदर को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त तरफ ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अशफाकुल्लाह ने कहा, तक यह संदेश पहुंचा दे तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, मैं चूमने जा रहा हूं, जिस फांसी को तख्त को मैं फांसी के फंदे को चूमने जा रहा हूं, यही तो हमारी महबूबा है जिसको आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, अपनी मां के मुराद को पूरी करने जा रहा हूं। यह अशफाकुल्लाह ने कहा था। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जिसने भारत को आजादी दिलाई है और भारत फिर से यदि विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना से ही भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो सकता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ऐसा भी कुछ देखा, राम भरोसे की बात मैं कर रहा हूं, जिसके चलते देश को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा था, और वह था देश में इमरजेंसी का भयानक दौर। किस प्रकार का उत्पीड़न हुआ था उस समय, जिन्होंने यातना झेली होगी उनको ज्यादा मालूम होगा। 18 महीने तक 23-24 साल की उम्र में हम लोगों ने भी जेल झेला है, 2-2.5 महीने तक 23 साल की उम्र में तन्हाई झेली है। ऐसे लाखों लोग ऐसे थे, लोकतंत्र का गला घोट गया था। भारत में जगह जगह से लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठ रही थी। उस समय राम भरोसे जी को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन वह इतना तो अवश्य समझते थे कि ऐसी व्यवस्था जो इस देश में इस समय है, जहां जनता हर 5 साल पर कुछ लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा करने के लिए चुनती है। राम भरोसे जी यह देख पा रहे थे कि जिन लोगों को उन्होंने चुना है वह इमरजेंसी के दौरान जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। और यह वह समय था जब पहली बार राम भरोसे जी ने देश में तब के समय हो रही गतिविधियों के खिलाफ बोलना शुरू किया था। हालांकि अनेक लोगों ने उन्हें उनकी आवाज को नीची रखने के लिए कहा, पर उन्हें कहीं भीतर ही भीतर यह अनुभव हो रहा था कि तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। राम भरोसे जी ने सोचा कि जब आंदोलन रूपी समुद्र की लहरें उन्हें आमंत्रित कर रही हैं, तो वे किनारे बैठकर आराम कैसे कर सकते हैं। और वे पूरे दमखम के साथ लोकतंत्र के आंदोलनकारी लहरों में राम भरोसे जी उतर पड़े। धीरे धीरे यह समय भी निकला और देश के लोकतंत्र की यात्रा का एक नया दौर, देश ने लोकतंत्र की यात्रा का एक नया दौर देखा। इस बीच राम भरोसे जी ने भारत में कई प्रधानमंत्रियों का भी समय देखा। देश जब 21वीं सदी में प्रवेश करने से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था, उस समय उन्होंने देश के बाजारों में कई नए नए प्रोडक्ट्स, उत्पाद देखे। उन्होंने बाजारों में अनेक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे जिससे अब तक वह अनजान थे। इसके अलावा उन्होंने भारत में कई सारी नई नई कंपनियों का आगमन भी होते हुए देखा, और उन्हें रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि भारत में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हो चुके हैं। अब भारत का बाजार दुनिया के बाकी देशों के बाजार से जुड़ चुका है। अब भारत के सामान दुनिया में और दुनिया के सामान भारत में दिखेंगे। अब तक राम भरोसे जी की राजनीतिक रूप से इतने मैच्योर तो जरूर हो चुके थे कि वह इन सुधारों की अहमियत भी राम भरोसे जी समझने लगे थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा कि देश किस प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के माध्यम से, अब आ गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के माध्यम से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आपस में जुड़ रहा है। और उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर व जिम्मेदारी मुझे ही दी थी, और संयोग से जब स्वर्णिम चतुर्भुज की संकल्पना हो रही थी उस समय मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट का कार्यभार मैं ही देख रहा था। कनेक्टिविटी के अभाव में राम भरोसे जी के पिताजी उनके जन्म के समय शहर से गांव तक पहुंच नहीं पाए थे, पर आज हाईवेज और रोडवेज जो होते हुए पूरा का पूरा गांव अपनी जरूरत के अनुसार शहर पहुंचने में सक्षम हो रहा है। राम भरोसे जी के जीवन में एक और गर्व का क्षण 1998 में आया, तब आया जब उन्हें यह पता चला कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न भारत अब यह देश बन गया है, और दुनिया का कोई भी देश अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एक मजबूत सरकार को देखी। 21वीं सदी में कदम रखते ही उन्होंने भारत को जिस तरीके से चमकते देखा, उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि आने वाले कुछ सालों में भारत बहुत तरक्की करने वाला है। इसी बीच उनका बेटा कमल बड़ा हुआ और शादी करके नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गया। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन जो चीज अपरिवर्तनीय थी वह थी भारत के विकास की गति। उन्होंने देश को यूएस के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील करते हुए भी देखा, मगर साथ ही राम भरोसे जी को धीरे धीरे यह भी रियलाइज हुआ कि देश चलाने के लिए जिन लोगों को उन्होंने चुना है वह किस प्रकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। भ्रष्टाचार की अनगणित कहानियां उस समय की हैं। देश की इस स्थिति से व्यथित राम भरोसे जी ने 60 से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। भ्रष्टाचार विरोधी कई आंदोलनों में अपनी भागीदारी भी निभाई थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यानी मनुष्य का सौभाग्य हमेशा सोया नहीं रहता है। और आगे यह हुआ कि राम भरोसी जैसे करोड़ों लोगों के जीवन में वो खुशी का क्षण आया जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी सरकार आई जिस प्रकार की सरकार राम भरोसे जी लाना चाहते थे। 2014 में आई और सौभाग्य से उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मैं ही निभा रहा था। और 2014 में आई इस सरकार में देश को एक आशा की किरण दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर राम भरोसे के बेटे यानी कमल को भी परिवार में एक आशा और एक किरण दिखाई दी। यानी आशा किरण दो बेटियां और यह एक बेटा पैदा हुआ। उनके यहाँ एक एक करके दो लड़कियों का जन्म हुआ जिनमें से एक का नाम आशा और एक का नाम किरण हुआ। कुछ समय बाद इन बहनों का एक भाई अजय भी इस दुनिया में आया, माने पैदा हुआ। आगे की कहानी में राम भरोसे जी के ग्रैंड चिल्ड्रन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, आशा और किरण लगभग 10 साल की होने को हैं। उनके जीवन की शुरुआती 10 वर्षों को देखकर राम भरोसे जी के अंदर एक सुकून का भाव आता है और उन्हें महसूस हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके परिवार की पुरानी पीढ़ी की लड़कियों और महिलाओं को नहीं मिल पाई, उससे बेहतर जीवन इन दोनों बच्चियों को मिल रहा है। राम भरोसे जी यह देख पा रहे हैं कि कैसे जनधन योजना के माध्यम से उनके और उनके परिवार को देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 40 करोड़ परिवार आज बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। जो कर्ज उन्हें पहले महाजन से लेना पड़ता था, वही कर्ज अब उन्हें बैंक देता है, वो भी बहुत मामूली ब्याज दर पर। उन्होंने अपनी पत्नी को चूल्हे पर धुआं सहते हुए खाना बनाते हुए देखा है। अपनी माँ को तो उन्होंने चूल्हे के धुएं के कारण बीमार हो जाने पर दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। पर सरकार की योजनाओं से वह अपनी बहू को गैस सिलेंडर पर खाना बनाते आज वह देख रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनके घर की महिलाओं के दिन फिर रहे हैं। राम भरोसे जी यह देखकर फूले नहीं समाते कि जब उनका बचपन था तो उन्होंने देश के 565 रियासतों का एकीकरण देखा था और आज जब उनकी पोतियों का माने ग्रैंड डॉटर्स का बचपन है तो वो बच्चियां और उनके पौत्र ग्रैंडसन अजय धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक होते हुए देख रहे हैं। राम भरोसे जी का हृदय यह देखकर प्रसन्नता से भर जाता है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जिस मंदिर निर्माण का सपना वह देखा करते थे, वह सपना उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अपनी आंखों से पूरा होते हुए प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाकर ये दृश्य देख सकते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। पिछले 2-3 वर्षों की बात करें तो राम भरोसे जी ने शताब्दियों में एक बार आने वाली कोरोना जैसी भीषण महामारी से देश को उभरते हुए भी देखा है। वैसे तो वे 70 साल पार कर चुके थे और कोविड का खतरा उन्हें औरों की अपेक्षा अधिक था, पर समय से वैक्सीन की डोजेज लग जाने के कारण वे कोविड को हराने में सफल रहे। वे इस बात के साक्षी रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने वैक्सीन निर्माण करके वो काम कर दिया जो दुनिया के कई विकसित देश भी नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज लगते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 देशों को, यहाँ वैक्सीन नहीं बनती थी, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में प्रारंभ हुई और दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया तो भारत ने किया। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है। जगह जगह वहां के हेड ऑफ द स्टेट से भी, मिनिस्टर से भी बातचीत करने का अवसर मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी देश में हर सिटीजन को दो वैक्सीन के डोजेज नहीं लगे हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए लगे हैं। उन्होंने अपने जीवन यात्रा में यह भी महसूस किया कि कैसे एक समय जहां सरकारी योजनाओं के 100 पैसों में से उन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, वहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जैम के माध्यम से पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं राजीव गांधी जी के संबंध में कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तक अपने राजनीतिक जीवन में मैंने किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को व्यक्ति नहीं मानता हूं, मैं संस्था मानता हूं, इंडिविजुअल नहीं मानता हूं, इंस्टीट्यूशन मानता हूं, कभी आलोचना नहीं करता। लेकिन ईमानदारी से उन्होंने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त की थी। क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन लोगों की जेबों तक 15 पैसा पहुंच पाता था। अब वह संकट समाप्त हो गया है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, जिसको भी मिल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा भेजा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, 100 पैसा यदि दिल्ली के खाते से चलता है तो 100 पैसा उसकी जेब में पहुंचता है। साथियों, राम भरोसे जी ने देश को सफेद कबूतर छोड़ने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने तक का भी सफर देखा है। आयु बड़ी हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से हमने यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है, भारत के अंदर बखूबत है, हम इस पार नहीं, जरूरत पड़ी उस पार भी आकर मार सकते हैं। अब वह दिन आ गए। साथियों, आज राम भरोसे जी की उम्र लगभग 75 वर्ष से अधिक हो गई। राम भरोसे जी ने अपने जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन देखे हैं जिसने उनके जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कई बार प्रभावित किया है। मैंने जब इस कहानी की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप राम भरोसे जी को जरूर पहचानने लगेंगे, और मुझे लगता है शायद आपने राम भरोसे जी को पहचान लिया होगा। यहाँ राम भरोसे जी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता है। मेरे बहनों भाइयों, यह व्यक्ति नहीं पूरे भारत की जनता है। यहाँ राम भरोसे जी भारतीय समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए, वह व्यक्ति हैं जो सरकारों की तरफ, देश ऐसे राम भरोसों से भरा पड़ा है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जीवन भर इस देश की सेवा की है। साथियों, राम भरोसे जैसे करोड़ों लोग अब यह अनुभव करने लगे हैं, देश की प्रगति अब राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है, बल्कि देश की प्रगति हमें अपने पुरुषार्थ से करनी होगी, और 2047 तक 2047 तक हमें एक विकसित भारत का, डेवलप्ड भारत, इंडिया का यह हमको निर्माण करना ही है। अब मैं 2047 में कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ। दुनिया के अर्थशास्त्री भी, सभी अर्थशास्त्री तो नहीं, कुछ अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि अब आज तो हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए हैं जीडीपी के मामले में। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में भी हम देखें तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में भारत आ चुका है। लेकिन मार्गन स्टेनले ने तो यह भी कह दिया है, मार्गन स्टेनले तो यह भी कहा है कि आज 2023 है, 2027 आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। 2047 आते कहाँ होंगे, अब इसकी कल्पना कर सकते हैं। साथियों, जब हम एक विकसित और स्वर्णिम भारत की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जिस ओर हम बढ़ना चाहते हैं उसके संबंध में हमारे पास एक अच्छा रोड मैप हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उन मुद्दों पर भी बात करूं कि एक विकसित भारत कैसा होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी विभिन्न मंचों पर कई बार यह कहा है कि हमारा भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, हम भारत के केवल आर्थिक दृष्टि से ही सशक्त नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारत को सामाजिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं, और हेल्दी डेमोक्रेसी भारत में लाकर राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। साथियों, राम भरोसे के ग्रैंड चिल्ड्रन आज जिस स्कूल में जा रहे हैं वह स्वयं में समानता का एक पर्याय है। उनकी क्लास में अनेक जातियों और धर्मों के बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं, बावजूद इसके उनकी क्लास में इनके आधार पर कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता है। धर्म और जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित नहीं रखा जाता है। यह हमारे स्वर्णिम भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमें एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना है जो अपनी सामाजिक एकता के लिए दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में जाना जाए। हम एक ऐसा स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। आज आशा, किरण और अजय, आशा, किरण और अजय को अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। पहले बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि भारत की धरती पर जाने कितने आक्रांता और लुटेरे आए और चले गए। भारत कमजोर लोगों का देश हुआ करता था, पर आज इन बच्चों को यह सच बताया जा रहा है कि भारत यह कमजोर लोगों की धरती नहीं है, बल्कि यह धरती वीरों से भरी पड़ी है। आज ये बच्चे उन गुमनाम नायकों के बारे में भी उतना ही जानते हैं जितना कि इतिहास के नॉन वॉरियर्स को। ये बच्चे जितना महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को जानते हैं, उतना ही लचित बोरफुकन को जानते हैं और भगवान बिरसा मुंडा को भी जानते हैं। ये बच्चे आज जितना रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, उतना ही नॉर्थ की रानी गाइडेलू को भी जानते हैं। और सांस्कृतिक रूप से हम एक ऐसे ही भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां हमारे बच्चे अपनी वैभवशाली संस्कृति से गर्व से जुड़ सकें। साथियों, यदि मैं आर्थिक रूप से एक विकसित भारत के निर्माण की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, जैसा मैंने कहा। हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी की भी बात मैंने कही है कि आधार पर तो हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय हैं, लेकिन कई अर्थशास्त्री भारत की विकास की गति को देकर इस बात को समझ चुके हैं कि जब राम भरोसे की दोनों ग्रैंड डाटर्स, दोनों पौत्रियां आशा और किरण 13 वर्ष की होंगी, तब तक यानी 2027 तक हम नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और सब ठीक रहा तो आशा और किरण के 32-33 साल की उम्र होने तक यानी 2047 तक आते आते हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएंगे। अब आपने समझ लिया होगा राम भरोसे जी का नाम मैंने क्यों लिया था। साथियों, जीडीपी को मैं सिर्फ एक आंकड़ा समझता हूं। निश्चित रूप से इस आंकड़े का बढ़ते जाना भारत के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन एक विकसित भारत को हमें इससे कहीं ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। मेरे अनुसार हमारे भारत का एक ऐसा स्वर्णिम भविष्य हो जो जीडीपी के मामले में तो दुनिया में सबसे आगे रहे ही, साथ ही हम अपनी परंपरा और संस्कृति से भी समुचित रूप से जुड़े रहें। आर्थिक रूप से हमारा देश एक ऐसा देश हो जहां कोई गरीब ना हो, जहां हमारे देश का हर परिवार अपनी मिनिमम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। पहले राम भरोसे जी का परिवार कच्चे मकान में रहता था, लेकिन आज उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय युक्त एक पक्के मकान में रह रहा है, जहां नल में जल भी आ रहा है। हर घर में नल और नल में जल। शौचालय के अभाव में किसी समय उन्हें अपनी बहन को भी खो देना पड़ा था। जब बहन बाहर गई थी और उसमें उसे कीड़े ने काटा था और उससे जो बीमारी पैदा हुई, उससे मृत्यु उसकी हो गई थी। पर उन्हें इस बात की खुशी है कि सरकार के प्रयासों से उनकी आगामी पीढ़ियां अब बुनियादी सुविधाओं से संपन्न हैं। हमें अपने देश के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी कुछ ऐसी ही बनानी है कि जिसमें हम समाज के हर व्यक्ति के उद्धार की दिशा में कार्य कर सकें। इसके अलावा हमें अपने विकसित भारत में महिलाओं के लिए वह अवसर उपलब्ध कराने होंगे जिसकी वे हकदार हैं। भारत ने उस दिशा में भी अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया है, लेकिन हमें उन प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। आज राम भरोसे अपनी ग्रैंड डॉटर की अच्छी पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं, साइंस में उसका इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उन्हें यह भरोसा हो चला है उनकी बिटिया आने वाले समय में एक बड़ी डॉक्टर भी बन सकती है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का संकल्प है कि इस देश का एक जनपद नहीं बचेगा जहां पर कि कोई एक मेडिकल कॉलेज ना हो। आईएम्स की संख्या कितनी बढ़ गई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी है। मेडिकल में प्रवेश लेने वाले बच्चों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने पहले से योजना बना रखी है कि इलाज की जिस सुविधा के अभाव में उनकी माँ उनके जन्म के समय ही दुनिया छोड़ गई, वह सुविधा वह अपने गांव मोहल्ले तक उपलब्ध कराएंगे। उनका यह सपना सच हो, इसके लिए सरकार ने एक और आयुष्मान भारत योजना तो चला ही रखी है। 5 लाख रुपए तक का इलाज, पूरा इंश्योरेंस इसका, मुफ्त इलाज। साथ ही देश भर में मेडिकल सीट्स में लगातार बढ़ोतरी भी कर रही है, जिससे आने वाले समय में अनेक आशाओं की डॉक्टर बनने की आशा पूरी हो सके। इसी तरह जब उसकी बहन किरण से यह पूछा जाता है कि वो क्या करना चाहती है, तो छोटी सी बच्ची अपनी समझ के अनुसार यही बोलती है कि उसे सिपाही बनना है। किरण सैनिक स्कूल में जाना चाहती है, तो सरकार देश भर में सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ा रही है मेरे बहनों भाइयों। साथ ही सैनिक स्कूल के द्वार अब लड़कियों के लिए भी खोल दिए गए हैं, पहले नहीं खुले थे, खोल दिए गए हैं। ताकि इसलिए खोल दिए गए हैं ताकि हमारी किरणों के सपने पूरे हो सके, ताकि हमारी आशा के सपने पूरे हो सकें, किरणों के सपने पूरे हो सकें। आज सेना में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सियाचिन की हाइट से लेकर इंडियन ओशन के डेप्थ तक हमारी नारी शक्ति भारत की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है। अभी हाल में ही एक पोस्टिंग हुई है इनकी। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में किरण देश के आर्मी, नेवी और एयर चीफ के आभा महिलाओं की सफलता की क्रांति से ही स्वर्णिम हो सकती है। जहां इस देश की महिलाओं को यह आभास हो कि वो भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहां तक कि सेना में भी सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकती हैं। हमारा विकसित भारत महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और उन्हें प्रचुर मात्रा में अवसर देने वाला होना चाहिए। हम यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में कभी कोई बेटी समाज और परिवार के लिए अभिशाप बनकर पैदा नहीं होगी। किसी बच्ची के नाम अगर पत्ती रखा जाएगा तो वह विपत्ति का नहीं, संपत्ति का पर्याय होगा, समाज के लिए एसेट का पर्याय होगा। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अगर मैं सैन्य दृष्टिकोण से भारत के स्वर्णिम भविष्य का रोड मैप आपके सामने रखूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसे क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंस। आज मैं बताना चाहता हूं, भारत की हैसियत बन गई है। इस समय हम लोग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अपने हाथ डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, भारतीयों के हाथ से कर रहे हैं। एक ऐसा विकसित भारत जिसके पास डिफेंस रिलेटेड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हो। आशा और लगभग 10,000 हमारे यहाँ स्टार्टअप्स और आईडेक्स में हमारे नौजवान काम कर रहे हैं। टोटल तो स्टार्टअप्स का नंबर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास पहुँच रहा है। आशा और किरण के भाई अजय से जब उसके जीवन के सपने के बारे में पूछा जाता है, तो अब बच्चा डिफेंस साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहता है। हमें अजय के सपने को भी ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमने IITs, NITs की भी स्थापना की है तथा इनमें सीटों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। आप सबको मालूम होगा कि IITs की संख्या भी इस देश में काफ़ी बढ़ी है। डिफेंस सेक्टर में आईडेक्स और TDF जैसे इनिशिएटिव से इनोवेटिव आइडियाज़ को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, TDF को। ऐसे इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं। 1.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ तक मैक्सिमम हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे इन प्रयासों से आज भारत आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। अब तक हम दुनिया के दूसरे देशों से हम बराबर इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारा भारत एक्सपोर्टर बन रहा है। दुनिया के 25 देशों में हमारा भारत भी आ गया है। नहीं तो पहले तो सबसे बड़े इंपोर्टर हम ही थे, यानी आयात करने वाले। हमने ये प्रयास इसलिए किए ताकि भविष्य में अजय डिफेंस साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे महसूस हो कि उसकी प्रतिभा और उद्यम का फल भारतीय सेना को मिल रहा है। अजय जैसे बच्चों के पौरुष से ही हमें एक ऐसे भारत बनाना है जिसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी उसके शत्रुओं में न हो। एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति का अग्रदूत बनकर उभरे। इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी हम एक ऐसे ही भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां राजनीति अपराधों से मुक्त हो तथा राजनीतिक दल जाति, धर्म और परिवार के आधार पर न होकर विचारधाराओं के आधार पर हों। एक ऐसा भारत जहाँ आशा, किरण या अजय का कोई दोस्त बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी राजनीति की जमीन पर अपने पांव रख सके और अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके, जहां उन्हें सिर्फ इसलिए राजनीतिक अवसरों से वंचित न रखा जाए क्योंकि वह किसी विशेष परिवार या कुल से नहीं आते। हमें राजनीतिक रूप से एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करना है जहां हमारे नेता जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझें, जहां सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि सत्ता सेवा के लिए हासिल की जाए। प्रधानमंत्री के बारे में भी, मोदी जी के बारे में भी आप जानते हैं, वो बड़े परिवार से नहीं हैं। इनके पिता भी जी भी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, बगल में दुकान थी। साथियों, हमें एक ऐसे ही विकसित भारत बनाना है जो आशा, किरण और अजय की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हो, जहां राम भरोसे जी को भी इस बात का सुकून हो कि उनके पोते और पोतियों का भविष्य भारत के भविष्य की तरह ही स्वर्णिम है। हमें एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना है जहाँ का समाज भविष्य में और भी ज़्यादा अटूट होने वाला है, उस समाज में और भी ज़्यादा एकता आने वाली है, जहाँ देश की आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से तो सशक्त हो ही, साथ ही हम एक राष्ट्र के रूप में इतने शक्तिशाली भी हों कि हम दुनिया में कहीं भी हो रहे अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकें। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले अमर उजाला में राम भरोसे जी ने यह पढ़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगा है। राम भरोसे जी ने अमर उजाला में पढ़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगा है, तो राम भरोसे जी को ऑटोग्राफ का मतलब भी नहीं पता था। उन्होंने अपनी पौत्री आशा से इसका अर्थ पूछा, तो आशा ने कहा कि ऑटोग्राफ वह इंसान देता है जिसने जीवन में कुछ अविस्मरणीय हासिल किया हो। यह सुनकर राम भरोसे जी को अपने प्रधानमंत्री, अपने देश पर गर्व हुआ और राम भरोसे जी का सीना चौड़ा हो गया। वो सोचने लगे कि वास्तव में इस दुनिया में कितनी तेजी से भारत की धाक बढ़ी है, और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके नेतृत्व में पूरा देश अविस्मरणीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी तरह राम भरोसे जी ने यह भी देखा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब पैर छुए तो भारत के प्रति दुनिया के झुकाव को देखकर, भारतीय संस्कृति के इस प्रसार को देखकर, केवल वो यही देखकर नहीं पैर छू रहे, भारतीय संस्कृति के प्रसार को देखकर उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। राम भरोसे जी जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ मोदी जी के पैर नहीं छुए बल्कि उन्होंने इसके माध्यम से भारत की समस्त जनता का आभार व्यक्त किया कि किस प्रकार भारत मुसीबत के समय पापुआ न्यू गिनी के साथ खड़ा रहा है। राम प्रसाद जी इस बात का भी अर्थ समझते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी को ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। आने वाले समय में हमारे देश का यह सम्मान बढ़े, यह सुनिश्चित करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। अमर उजाला के इस महत्वपूर्ण मंच से मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं कि इस देश का युवा, इस देश की सरकार और इस देश का हर एक संस्थान आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाला है, और यह देश 21वीं सदी में आए हुए इस अवसर को भुनाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ 21वीं सदी ही नहीं बल्कि आने वाली सदियां भी भारत की होने वाली हैं। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए एक संदेश के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। वह संदेश है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यानी भारत का भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए किसी एक की नहीं बल्कि सभी के प्रयासों की समान आवश्यकता होगी। हम अपने स्वर्णिम अतीत पर हम सभी को बड़ा गर्व है, और जैसा कि विलियम फॉकनर का प्रसिद्ध कथन है, संभवतः आपने सुना होगा, द पास्ट इज नेवर डेड, इट इज नॉट इवन पास्ट। इसका मतलब यह होता है, यानी अतीत कभी खत्म नहीं होता है, अतीत कभी खत्म नहीं होता है, यहाँ तक कि वह कभी अतीत भी नहीं होता है और वह कभी बीतता भी नहीं, वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है। ऐसे में हम अपने स्वर्णिम अतीत को अपने भविष्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश इस प्रयास में पूरी मजबूती के साथ जुटा है और आगे भी जुटा रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। एक बार अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं समय ज़्यादा लग गया है, इसलिए यहीं पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अमर उजाला जिस प्रकार की भूमिका इस समय निभा रहा है, समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है और समाचारों की जो निष्पक्षता को कायम रखने में कामयाब रहा है, इसके लिए मैं पुनः अमर उजाला पूरे परिवार को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।